I'm Dr. Anushil Munshi. I'm the head department of radiation oncology at Manipal Hospital, Dwarka, New Delhi. Today, I shall be talking about a few salient aspects about modern day radiation therapy and its role in management of cancer. So, radiation therapy या विकिरण therapy भी जिसे कहा जाता है, एक बहुत ही आधुनिक तरीका बन चुका है. There was a time when radiation therapy was in a very primitive phase, which also led to side effects and complications. But modern day radiation therapy or radiotherapy is drastically different, much more modern, much more precise. Radiation therapy is used in almost 60-70% of all cancer patients. ये थेरेपी अकेले भी यूज़ की जाती है और सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ भी यूज़ की जाती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द साइट ऑफ कैंसर इज, व्हाट इज द स्टेज ऑफ कैंसर एंड सो ऑन. इट हैज़ आल्सो गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैलिएटिव रोल इन रिलीफ ऑफ पेन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट्स. अब जिन मॉडर्न तरीकों की मैं बात कर रहा था उनमें IMRT या इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, IGRT इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, 4D रेडियोथेरेपी जिसमें हम पेशेंट की ब्रीदिंग मूवमेंट को भी फैक्टर इन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सांस के साथ भी कुछ ट्यूमर्स मूव करते हैं, तो उनके लिए भी हाई प्रिसिशन रेडियोथेरेपी उनकी क्योर के लिए बहुत ही कामयाब साबित हुई है. इसके अलावा रेडियो सर्जरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ कैंसर. इट कैन बी यूज्ड फॉर ब्रेन ट्यूमर्स एज वेल एज रेस्ट ऑफ द बॉडी साइट्स एंड इज टिपिकली गिवन आइदर इन जस्ट वन सिंगल सेशन. जैसा कि आप जानते होंगे कि रेडिएशन थेरेपी वैसे तो एक थोड़ा सा लंबा इलाज है जो कि 4-5-6 हफ्ते तक रोजाना जिसमें पड़ सकता है, लेकिन रेडियो सर्जरी में काफ़ी सारे मरीजों में वही इलाज हम 1-2 या मैक्सिमम 5 सेशंस में ही कंप्लीट कर सकते हैं विद वेरी वेरी इफेक्टिव एंड गुड एंड ऑप्टिमम रिजल्ट्स. 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा रेडिएशन थेरेपी के प्रोसेस के बारे में और कॉमन मिथ्स के बारे में. रेडिएशन थेरेपी के लिए जब मरीज आते हैं तो ऐसा नहीं है कि मरीज आया और रेडिएशन शुरू हो गई, क्योंकि हाई प्रिसिशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी भी हाई प्रिसिशन है. सो पेशेंट इज फर्स्ट टेकन फॉर ए प्रोसेस कॉल्ड सिमुलेशन where the CT scan of that particular area where radiation has to be given is taken. And then it is for the next 1 or 2 days sent for planning, जिसमें हम सारे areas contour करते हैं, बनाते हैं normal structures, tumor का area, ताकि हम normal structures maximum तरीके से spare कर सकें. और उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर actual radiation शुरू होती है जो कि एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन तक चलती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी आर वी यूजिंग. इज रेडियो सर्जरी बीइंग यूज्ड और नॉर्मल IMRT और IGRT इज बीइंग यूज्ड, डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज फैक्टर्स. जो साइड इफेक्ट्स, और ये बड़ी ज़रूरी बात है, जो 10-20 साल पहले नज़र आते थे साइड इफेक्ट्स रेडिएशन के साथ, चाहे वो चमड़ी के साइड इफेक्ट्स होते थे, चमड़ी का हल्का सा छिल जाना होता था, या इंटरनल साइड इफेक्ट्स होते थे रेडिएशन के, वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जैसे कि हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में भी वैसी अत्याधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिससे हम वो साइड इफ़ेक्ट बहुत हद तक कम कर चुके हैं. और आज की तारीख में रेडिएशन की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम और बहुत ही टॉलरेबल हो चुकी है रेडिएशन थेरेपी. तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मॉडर्न डे रेडिएशन थेरेपी हैज़ बिकम वेरी सेफ,
वेरी प्रिसाइज, वेरी इफेक्टिव एंड इट शुड बी यूज्ड जुडिशियसली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कैंसर पेशेंट्स. थैंक यू ऑल वेरी मच.